दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। समुद्र में खड़ी ये 150 से भी ज्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मजे की बात यह है कि हर शिप पनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4,00,000 पनामा गवर्नमेंट को देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी इनको यहाँ से गुजरने की परमिशन नहीं दे रही। कैनाल में ना ही कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही कैनाल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि पनामा कैनाल बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। लेकिन आखिर कैसे? नाजरीन, पूरी दुनिया में बैरी जहाज़ों के लिए सिर्फ दो ही शॉर्टकट रास्ते बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना स्वीज कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्री यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्री को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्री के बैरी जहाज़ों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कैनेडा तक जाना हो तो एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया जाता है और वो है अमेरिका सेंट्रल के ठीक इस पॉइंट पे बना पनामा कैनाल। दुनिया में करीब 50,000 कार्गो शिप हैं और इनमें से 70% इन्हीं दो शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर किसी वजह से इन शॉर्टकट रास्ते में कोई मसला हो गया तो ना चाहते हुए भी इनका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, जिसकी एक झलक दुनिया पहले भी देख चुकी है जब 2021 में एवरग्रीन शिप ने पूरी स्विस कैनाल की ट्रैफिक को 6 दिन तक बंद रखा था। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो शिप को ऑल ऑफ द वे घूम कर जाना होगा, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी। घूम फिर कर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड ऑफ दी वे यानी मुझे या आपको पे करनी पड़ेगी। फर्ज करें यूरोप से यूनाइटेड स्टेट से एक शिप को वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बॉटम से गुजरकर स्पेसिफिक ओशन में इंटर होगी और वहाँ से सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप को 28 दिन और 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनी का सिर्फ टाइम ही नहीं जाया होगा बल्कि फ्यूल कॉस्ट की कीमत में $32 मिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरा रास्ता है यूनाइटेड स्टेट से सीधा कैरेबियन सी और यहाँ से पनामा कैनाल का शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके सीधा स्पेसिफिक ओशन और फिर सैन फ्रांसिस्को। पहले रूट में जहाँ 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा था, वही पनामा कैनाल को इस्तेमाल करके ये फासला काफी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही रह गया, यानी पहले रूट से 40% कम। अब आपको लगता होगा कि शिप को पनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, तभी वो यहाँ से गुजरना प्रीफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पनामा कैनाल से गुजरने वाली शिप का टोल टैक्स $4,000 के करीब है। कभी कभार ये रेट $8,000 से $10,000 तक भी चला जाता है और तब भी शिप ये रकम खुशी खुशी अदा करती है। कैनाल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा है टाइम की बचत। अगर शिप एक रूट पर 15 या 20 दिन लगाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में जो शिप 24 बार एक रूट पर चलती है वो सिर्फ 12 बार चलेगी और ऐसे इनके पास 50% बुकिंग कम होगी। लेकिन अभी मसला ये है कि पनामा अथॉरिटी चाहते हुए भी ज्यादा शिप को पनामा कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। ये मसला क्या है, इसको जानने से पहले ये समझना होगा कि पनामा कैनाल काम कैसे करता है। ये इंजीनियर का शाहकार जिसने भी डिजाइन किया था वो वाकई में बहुत जीनियस था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कुदरत को टक्कर दे सके। पनामा कैनाल सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर बना है, लिहाजा पहले शिप को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर कॉटन के लेवल तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस इसको नीचे समुद्र में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप की, जिनका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप को 30 मीटर तक ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग में लॉक्स लगे हैं। ये लॉक्स शिप को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस प्रोसेस में लेक टोन का पानी इस्तेमाल होता है, जो समुद्र में डालकर जाया किया जाता है। लेक टोन का पानी पनामा कैनाल के लॉक्स को ऑपरेट करने के साथ साथ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के पीने के काम भी आता है। पनामा कैनाल इस्तेमाल करने वाली सिर्फ एक शिप लेक किटोन का इतना पानी जाया करती है जितना 5,00,000 लोग रोजाना पीते हैं। पनामा कैनाल से हर रोज
38 शिप गुजरती हैं, यानी एक दिन में 1,90,00,000 लोगों का पीने का पानी समुन्द्र में बहा दिया जाता है। इस चीज को देखते हुए पनामा अथॉरिटी के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, या तो वो किनाल चला ले या फिर अपने लोगों के लिए पीने का पानी प्रोवाइड करें। किनाल से इनको $4.32 बिलियन की सालाना आमदनी होती है, जो पनामा कंट्री की टोटल जीवी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा अब वहाँ की गवर्नमेंट ने लेक किटोन का पानी बचाने के लिए कुछ इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं। जहाँ दिन में 38 शिप किनाल से गुजरती थी, इस नंबर को कम करके 18 शिप तक लेकर आए हैं। इसी वजह से पनामा किनाल के बाहर शिप की लाइन लग चुकी है और सब किनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।